यूनिट में आपके सामने डिस्कस करूंगा, क्लियर है। नाइन में थोड़ा बहुत मास परसेंटेज तुमने पढ़ा था, तो अभी मैं मास परसेंटेज से ही चीजें स्टार्ट करता हूं और फिर ये सब यूनिट मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड करूंगा। सबसे पहले देखिए मुझसे कोई पूछता है कि बताइए मास परसेंटेज क्या होता है, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज का मतलब होता है 100 में कोई कितना है। जैसे आपके एग्जाम में मार्क्स आए, आपके तो अच्छे ही मार्क्स आएंगे, हमने कहा कि हमारा आपके मार्क्स आए 94, तो अगर आपके 94 आए तो कितने परसेंट में 94। आपके साइंस में नंबर आए माना 98, तो कोई पूछेगा कि भाई कितना परसेंट आया, 98। तो मतलब क्या समझ में आ रहा, परसेंटेज का मतलब है 100 में कोई कितना है, और अगर मास की बात करेंगे तो मास परसेंटेज हो जाएगा। तो मास परसेंटेज हो क्या गया, इट कैन बी डिफाइन एज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ एनी कंपोनेंट, कोई कंपोनेंट कितना प्रेजेंट है, कैसे, बाय मास, प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब 100 पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन में कोई कितने पार्ट प्रेजेंट है, तो उसको बोलेंगे भाई परसेंटेज। 100 में कोई कितना है वो परसेंटेज, और मास की जब बात करेंगे तो मास परसेंटेज, यही वैल्यूम, अगर मास की जगह मैं वैल्यूम लिख दूं तो डेफिनेशन किसकी हो जाएगी, वैल्यूम परसेंटेज की। तो 100 पार्ट में कोई कितने पार्ट है कंपोनेंट, वो उसका परसेंटेज कहलाएगा। नाइन्थ में भी पढ़ा था कि अगर परसेंटेज निकालना हो तो जिसका भी परसेंटेज निकालना हो, हमने कहा कि माना एक मिक्सचर बनाया ए और बी का, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर आपको मास परसेंटेज माना निकालना है किसका, ऑफ ए, तो कैसे निकालोगे, द टोटल मास ऑफ ए, टोटल मास ऑफ ए इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर टोटल ए कितना है, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, और टोटल सॉल्यूशन कितना है, इनटू 100। यही तो पढ़ा था फॉर्मूला। सिमिलरली अगर तुम्हें मास परसेंटेज निकालना है किसका, मेरा बच्चा बी का, तो टोटल बी कितना है, मास पी इन द गिवन सॉल्यूशन, डिवाइडेड बाय क्या जाएगा, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, इनटू क्या हो जाएगा, 100। तो ये देखो तुम्हारे सामने क्या निकल के आ गया, फॉर्मूला, इन्हीं से आप न्यूमेरिकल करोगे। जिसका भी मास परसेंटेज निकालना हो उसका मास, कोई दो या तीन चीजें हैं, कोई पूछे इसका मास परसेंट निकालो, तो उसका मास ऊपर डिवाइडेड बाई टोटल मास, दूसरे का मास परसेंटेज निकालना हो तो उसका मास डिवाइडेड बाई टोटल मास। एक बात मैं तुमको बता दूं मेरा प्यारा बच्चा, कि जो मास परसेंट होता है, जो मास परसेंट होता है उनका जो सम होता है, मास परसेंट ऑफ ए, मास परसेंट ऑफ बी, तीन है तो सी, वो कितना आता है, 100। मतलब अगर तुम्हें एक किसी एक कंपोनेंट का मास परसेंटेज आ गया तो दूसरे का निकालने के लिए 100 से घटा दो, भाई एक आया माना 60 तो दूसरे का 40, एक का 30 तो दूसरे का 70। तो ये तो कहानी समझ में आई कि भाई मास परसेंटेज होता क्या है, कि 100 के पार्ट्स के अंदर कोई कितने पार्ट है, मास परसेंट बोलते हैं, मास परसेंट निकालते किसके हैं, जिसका निकालना उसका मास अपॉन टोटल मास इनटू 100। फॉर्मूला सीख लिया, चलिए एक न्यूमेरिकल से चीजें की शुरुआत करते हैं। बाकी न्यूमेरिकल आप लोग मास परसेंटेज पे कुछ दूर दूर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, कम से कम दो न्यूमेरिकल आज मास परसेंटेज पे कहीं से दूर के करिएगा, ठीक। एक क्वेश्चन चलिए हमने बनाता है, बनाता हूं, एक क्वेश्चन हमने ऐसे बनाया, इफ यूरिया इज डिजॉल्व, इफ यूरिया इज डिजॉल्व इन 350 ग्राम ऑफ वाटर, 350 ग्राम ऑफ वाटर एंड फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 10% concentrated, ठीक है, मास परसेंट मान के चलो। फिर मैंने आपसे क्या कहा, देन फाइंड, आपको क्या करना है, देन फाइंड क्या, मास ऑफ यूरिया इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर कितना यूरिया है, यह मैंने आपको क्या करना है, निकालना है। क्वेश्चन कराता हूं उसी से आइडिया। अब क्वेश्चन में देखो क्या है,
क्वेश्चन में यहां पर देखो परसेंटेज मास परसेंटेज दे रखा है, क्वेश्चन में मास ऑफ यूरिया सॉल्यूट का मास पूछा गया है, ठीक है। एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, कोई भी न्यूमेरिकल करते हैं तो पहले फॉर्मूला लगाओ, तो हमने फॉर्मूला लगा दिया मास परसेंटेज ऑफ यूरिया, क्या फॉर्मूला होगा किसी का भी मास परसेंटेज निकालना तो उसका मास, तो क्या जाएगा मास ऑफ यूरिया इन द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाई क्या जाएगा टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। अब देखो क्या क्या दे रखा है, मास परसेंटेज क्या दे रखा है, हाँ दे रखा है, कितना मास परसेंटेज है 10। क्या पूछा गया था मास ऑफ यूरिया, तो मास ऑफ यूरिया तो पूछा गया है, क्या सॉल्यूशन का मास दे रखा है, तो वो तुमको 350 नहीं है, ये समझो 350 नहीं है, क्योंकि 350 जो है वो वाटर है, और वाटर क्या है यहां पर सॉल्वेंट, मैंने पहले बताया था यूरिया सॉल्यूट और वो क्या हो जाएगा सॉल्वेंट, तो हम यहां 350 नहीं रख सकते, हमको मास ऑफ यूरिया निकालना, हम एक्स मान लिए, सॉल्यूशन कैसे फिर निकाले भाई, अब तो 350 तो खाली सॉल्वेंट है, तो एक चीज याद रखो आपको पता है कि मास ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो किसके बराबर होता है, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, यही तो होता था 9 में पढ़ा होगा, तो मास ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट किसे बना है एक्स मान लिया है, और सॉल्वेंट अब 350 रख दो इंटू क्या कर दो 100, अब सॉल्व कर लो, अब आंसर आ जाएगा, सॉल्व कर लिया हमने, कट गया यहां पर ये वैल्यू, कट गया वैल्यू, सॉल्व कर लिया पूरा, तो कितना जाएगा एक्स प्लस 350 इक्वल टू 10x, यहां कितना जाएगा 9x इक्वल टू 350, x इक्वल टू कितना जाएगा 350 डिवाइडेड बाई 9, अब सॉल्व कर दो तो कितना जाएगा 3, ठीक है, फिर कितना जाएगा 8, तो लगभग लगभग इतना है परसेंटेज, अच्छा। तो अब आप देखो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन बड़ा सिंपल आने लगे, ये 10 तक होता था कि किसी का मास परसेंटेज पूछा था उसका मास दिया है, ये भी दिया है, सब प्रॉब्लम रख दो आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने चेंज किया है, परसेंटेज दे दिया था और मैंने ये मास ऑफ यूरिया पूछ लिया था, तो फॉर्मूले को यूज करना आप लोगों को आना चाहिए, जितना न्यूमेरिकल तुम लगाओगे उतना ही तुम्हें सीखोगे और उतना ही तुमको चीजें समझ में आएंगी, आप इतनी चीजें आप समझिए, फिर हम कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करेंगे, बाकी चीजें हम लोग आगे पढ़ते हैं, क्लियर है चीजें। आप लोग एक काम करोगे इसको प्रॉपरली वीडियो को देख के एक दो बार देख के समझ के तब हमारी अगली क्लास में बैठेंगे, क्लियर, थैंक यू क्लास।